हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रश्न बैंक केमिस्ट्री के अध्याय 14 से ऑब्जेक्टिव्स को समझना। तो चलिए शुरू करते। तो सबसे पहले सही विकल्प में हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाने वाला एक संयुग्मी प्रोटीन होता है जिसमें ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहते हैं। ये रक्त में ऑक्सीजन का संवहन करता है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। ठीक है, अगला है आरएनए में नहीं पाया जाता। तो आरएनए जो होता है, आरएनए में होती है एडिनिन क्षार होती है, ग्वानिन होती है, साइटोसिन होती है और यूरेसिल होती है। इसमें थाइमिन क्षार नहीं पाई जाती। थाइमिन क्षार जो होती है वो डीएनए में होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सही ऑप्शन होगा आरएनए में नहीं पाया जाता, तो थाइमिन नहीं पाया जाता। अगला है कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह द्वारा ऑक्सीजन का अभिगमन करता है? तो जो मायोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का संवहन नहीं करता बल्कि ऑक्सीजन को संग्रहित करके रखता, मतलब स्टोर करके रखता है मांसपेशियों के अंदर। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। एल्बुमिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। और हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन होता है लेकिन ये रक्त में ऑक्सीजन का संवहन करता है। हमारे जो फेफड़े होते हैं वहाँ से ऑक्सीजन को विभिन्न कोशिकाओं तक लेकर जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगला देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता था? शरीर में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मरास्मस रोग होते हैं जिसमें शरीर क्या हो जाता है? बेडोल हो जाता है या कमजोर हो जाता है। ठीक है, अब रक्त का थक्का जमने में कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी होता है? तो रक्त का थक्का जमने में फाइब्रिनोजन प्रोटीन उत्तरदायी होता है। ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन हमारे रक्त में पाया जाता है और जब क्या होता है हवा लगती है तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होता है ये ब्लड को जमा देता है। ठीक है, अब अगला है दो अमीनो अम्ल के अणुओं के मध्य बना बंध क्या कहलाता है? तो दो अमीनो अम्ल के अणु आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। पेप्टाइड बंध कुछ इस टाइप का होता है CONH। ठीक है, ऐसे बंधों को पेप्टाइड बंध बोलते हैं। ये अमीनो एसिडों को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमीनो अम्ल के एमीन ग्रुप के साथ मिलकर इस तरह का बंध बनाता है जिसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। ये प्रोटीन में पाया जाता है। अगला देखते हैं सही जोड़ी में। तो प्रोटीन की संरचना, तो अभी हमने देखा कि प्रोटीन की संरचना में पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं, तो इसका आंसर आएगा पेप्टाइड बंध। अगला है डीएनए। तो डीएनए में डी ऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है, हमने पढ़ा है। तो डीएनए में आएगा डी ऑक्सीराइबोस शर्करा। द्विकुंडली संरचना, तो इसका आंसर आएगा डीएनए। एकल कुंडली तो आरएनए और द्विकुंडली तो होता है डीएनए, तो द्विकुंडली संरचना में डीएनए आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव को समझ लिए। अब मिलते अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।